प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज अपन बीए सेकंड ईयर में राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो पढ़ रहे थे, भौतिक प्रदेशों में तीसरा जो भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उसमें से पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो लगभग क्षेत्रफल में 23.3% है और पूर्वी मैदानी प्रदेश में यानी 39% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो भाग है ये 50 सेमी सम वर्षा रेखा है, ये राजस्थान के दो भाग को विभाजित करता है। इसके जो उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो अरावली और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जबकि पूर्व का भाग है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश अपने आप में एक बेसिन है, इसको तीन नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है। पहला है चंबल बेसिन और उसके बाद में बनास बेसिन और माही बेसिन, या इसको सपन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। कल अपन ने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। अरावली पर्वतीय प्रदेश की दिशा या इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई है, यदि अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश के महत्व को देखते हैं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो राजस्थान को अनेक रूपों में प्रभावित भी करती है और इसका कोई विशेष महत्व भी है। जैसे ये पर्वत श्रेणियाँ एक तो राज्य को दो भौगोलिक प्रदेशों में बांटती है, अरावली पर्वत के पश्चिम का भाग मरुस्थलीय और पूर्व का भाग गैर मरुस्थलीय कहलाता है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सदैव पूर्ववर्ती मरुस्थल का विस्तार को रोकती है, ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको पूर्व की ओर खिसकने से रोकने का काम करती है। अरावली अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जैसे बनास है, बेड़च है, लूनी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती, माही आदि नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है। अरावली पर्वत एक जल विभाजक का कार्य भी करती है, जिसके दोनों ओर से पूर्व और पश्चिम में नदियां बहती है। तो इस प्रकार अरावली पर्वतमाला जो है वो वन आच्छादित भी है और वन्य जीवों की शरण स्थली भी है। यहाँ पर कहीं वन्य जीव अभयारण्य भी है, जैसे सरिस्का अभयारण्य, रणथंबोर टाइगर अभयारण्य। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अनेक झीलें भी है जो केवल पेयजल ही नहीं सिंचाई जल भी उपलब्ध कराती है और ये पर्यटक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन झीलों में जैसमंद झील, फतेह सागर झील, पिशोला झील, बालसमंद झील, सिली सेठ झील और आना सागर, फाय सागर, स्वरूप सागर आदि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर झीलें भी है। अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव यानी कि राज्य की जलवायु पर पड़ता है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के समानांतर फैले होने के कारण मानसून यहाँ बिन बरसी चले जाता है। इन पर्वत श्रेणियों की प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ आबू पर्वत एक पर्यटक स्थल बन गया है। यही नहीं, इन पर्वतों की आंचल में अनेक प्राचीन दुर्ग भी है, जिसमें यानी कहीं प्रकार के दुर्ग है, जैसे कुंभलगढ़ है या चित्तौड़गढ़ है या जो टाटगढ़ का दुर्ग है, अजमेर के अंदर दुर्ग है, जयगढ़ है, बहुत सारे दुर्ग है, स्वर्णगिरी है। इसके अलावा कहीं मंदिर, झीलें, अभयारण्य और कहीं पर्यटक भी ये अरावली पर्वतमाला आकर्षित करती है। तो इस प्रकार अरावली पर्वतीय प्रदेश का विशेष महत्व है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको अपन ने तीन बेसिनों में बांटा गया है, जिसमें पहला है चंबल बेसिन है,
और बनास बेसिन या माही बेसिन या सपन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रदेश, जिनमें एक और भरतपुर, अलवर का भाग, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर और टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी भाग इसमें सम्मिलित है। इस दूसरी ओर दक्षिण में स्थित माई क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। ये वास्तव में जो प्रदेश है वो एक नदी प्रदेश है और ये मैदान प्रदेश है वो अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्वी के विस्तृत भाग में स्थित है। इसके अलावा इसमें सबसे पहला जो बेसिन है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन मैदान का यानी कि चंबल बेसिन से एक दक्षिण पूर्व तक सीमा तक स्थित विंध्यन का पठार है। चंबल बेसिन के अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा क्षेत्र का हाड़ोती क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। चंबल नदी का वह क्षेत्र जो अधिकांश बीहड़ का क्षेत्र है और इसके मध्य स्थित कई छोटी छोटी घाटियां और मैदानी क्षेत्र भी है। ये क्षेत्र मुख्यतः उत्खात भूमि या उत्खात इस्लाकृति के नाम से जाना जाता है। इस बीहड़ क्षेत्र के अंदर नवीन कांपीय मिट्टी का जमाव अधिक होता है। तो जो चंबल बेसिन है जो धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग में स्थित है, इसे यानी कि बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके सहारे सहारे यानी विंध्यांचल सीमा भ्रंश स्थित है, जिसको मैन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। बनास का मैदान जो दूसरा बेसिन है, बनास बेसिन, ये एक विस्तृत मैदान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर के मध्य है। इसका ढाल पूर्व की ओर है और ये मैदान बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो एक यानी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों के जिलों से उद्भूत होकर अनेक शाखाएं जैसे कोठारी डैन, सोहाद्रा, मानसी और बांडी, धुन, मोरेल, कोरेली बाई ओर से मिलती है, बेड़स, बागन, गंभीरी दाई ओर से प्रभावित होकर चंबल और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये बनास जो यानी कि नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसीलिए इसे बनास का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका विशाल प्रवाह भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में है। ये मैदानी क्षेत्र कहीं पूर्ण समतल है तो कहीं कट्टा फटा भी है, किंतु संपूर्ण क्षेत्र जलोढ़ मृदा का जमाव है और ये मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है। तीसरा जो बेसिन है पूर्वी मैदान का, छप्पन का मैदान या इसको माही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से बांसवाड़ा, डोंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के दक्षिण भाग को सम्मिलित करता है। ये क्षेत्र माही का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश में गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये प्रदेश अत्यधिक समतल है तथा सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी है। पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ, कहीं विस्तृत समतल क्षेत्र भी है। ये क्षेत्र माही की सहायक नदियों के द्वारा सिंचित भी है। इसका दक्षिणी क्षेत्र गहरा एवं कट्टा फटा है। ये क्षेत्र गहराई तक विच्छेदित होने के कारण पहाड़ी भूभाग में या पहाड़ी भूभाग होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वागड़ नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग में 56 ग्राम
समूह स्थित है, इसीलिए इसे सपन का मैदान भी कहते हैं। तो जो माई बेसिन का क्षेत्र है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, माही नदी पर ये माही बजाज सागर परियोजना भी बनी हुई है, जो माई की जो सहायक नदियाँ और इस नदी के द्वारा बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर सिंचाई भी होती है। और ये बेसिन है का जो क्षेत्र है, इसको वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वी मैदान में तीन यानी कि नदी बेसिन है, और इस पूरे मैदानी प्रदेश को नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ये क्षेत्र अधिक उपजाऊ मिट्टी और कृषि क्षेत्र और सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने के कारण जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी संपन्न माना जाता है। यहाँ इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अलावा पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। अब राजस्थान का जो चौथा प्रमुख भौतिक प्रदेश है वो है हाड़ौती का पठार, या इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, ये भारत के प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका मालवा का पठार है, मालवा के पठार का भाग कहलाता है। हाड़ौती के पठार को पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां जो बूंदी के अंदर स्थित है, झालावाड़ और बूंदी के अंदर स्थित है, नदी निर्मित मैदान। तीसरा है शाहबाद का उच्च स्थल या शाहबाद का उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार, और पांचवा है डग गंगाधार के उच्च क्षेत्र। तो ये पांच प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो भाग एक पठारी भाग है, और ये मालवा के पठार का ही विस्तार है, इसीलिए इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में लावा मिश्रित शैल और विंध्य शैलों का सम्मिश्रण है। ये पठारी भाग का विस्तार है। इस पठारी भाग का विस्तार झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी जिलों में है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है, या अनेक पर्वत श्रेणियां हैं जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। चंबल नदी के अतिरिक्त इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे काली सिंध है, पर्वन है, पार्वती नदियों द्वारा निर्मित मैदान यहाँ की प्रमुख विशेषताएं रखते हैं। हाड़ौती के पठार का क्षेत्र सर्वत्र एक रूपता में ना होकर धरातलीय दृष्टि से भिन्नताएं भी रखता है, यानी धरातलीय दृष्टि से इसमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती है, जिसमें हाड़ौती के पठार पर बूंदी और मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, इसीलिए इसे अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी की पर्वत श्रेणी है वो दोहरी पर्वतमाला है, यानी ये दोहरी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई या 96 किलोमीटर या 90 किलोमीटर है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक फैली है। इस श्रेणी में चार दर्रे भी हैं, जैसे पहला है बूंदी के निकट है, दूसरा जैतवास के निकट है, तीसरा रामगढ़ और खटगढ़ के मध्य है, चौथा लाखेरी के निकट है। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई है वो 300 से 350 मीटर है।
और इसका जो सर्वोच्च शिखर है अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का वो सतूर है, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है, जो बूंदी नगर से 13 किमी पश्चिम में है। मुकुंद्रा की पर्वत श्रेणियाँ हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 120 किमी लंबाई में विस्तारित है, जिसकी ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। चंदवाड़ी क्षेत्र में इसका सर्वोच्च शिखर 517 मीटर ऊंचा है। हाड़ौती पठार पर चंबल की सहायक नदियाँ जिनमें कालीसिंध, पार्वती, मेज तथा इसकी उप नदियों के द्वारा उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया है, जिसे नदी निर्मित मैदान कहते हैं। ये जो नदी निर्मित मैदान है, जो इनका भाग कोटा और झालावाड़ में पड़ता है, कुछ भाग बूंदी में भी पड़ता है, ज़्यादातर सिंध यानी चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यानी प्रवाहित मैदान है, जो बहुत उपजाऊ मैदान कहते हैं। शाहबाद उच्च भूमि है। शाहबाद उच्च भूमि बारा जिले के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है। ये संपूर्ण क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर अधिक ऊंचाई पर है। शाहबाद का जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से 300 मीटर अधिक ऊंचाई पर है। इसका सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना जो 456 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू आकृति रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति पर्वत श्रेणी है, यानी एक विशिष्ट भू आकृति है जो रामगढ़ के निकट घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है, तथा इसके मध्य छोटी झील भी है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका जो प्रदेश है वो है दक्षिणी क्षेत्र यानी झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र का भाग है और जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। झालावाड़ का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यहाँ काली मिट्टी का विस्तार है। इसके दक्षिण पश्चिमी भाग पे डग गंगाधर उच्च भूमि है। दक्षिण पश्चिम भाग पर डग गंगाधर उच्च भूमि है। ये क्षेत्र सामान्यतः 450 मीटर ऊंचा है, जिनमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ यंत्र तंत्र दिखाई देती है। तो ये राजस्थान का जो हाड़ौती पठारी प्रदेश है, इसको 5 अलग अलग भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया गया है। हाड़ौती का पठार है वो विशेष रूप से महत्व है इसीलिए रखता है, क्योंकि यहाँ जो काली मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान के अंदर काली मिट्टी है, ये हाड़ौती के पठार में विशेष रूप से पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास की खेती और सोयाबीन की खेती के लिए यानी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार में है और झालावाड़ का जो पठार है वो मालवा के पठार का ही एक भाग है, इसीलिए यहाँ ज़्यादातर काली मिट्टी का विस्तार है। यहाँ चंबल नदी, जो चंबल परियोजना इस नदी पर बनी हुई है, चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर है, और राजस्थान में 2 बांध है, एक है कोटा बैराज और ज्वार सागर। तो कोटा बैराज और ज्वार सागर, इन बांधों से इस क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल भी उपलब्ध होता है। यहाँ कृषि के रूप में सोयाबीन की कृषि इस क्षेत्र में अधिक होती है, इसके साथ साथ धनिये की कृषि भी अधिक होती है, कपास की कृषि यहाँ बहुत कम होती है, अफीम की कृषि भी
इस क्षेत्र में अधिक होती है। ये नदियों के द्वारा अफवाई क्षेत्र है। इसके साथ साथ बाहरा जिला है वो यानी कि शहरिया जनजाति प्रभावित क्षेत्र है। शाहबाद के अंदर अधिकतर यानी शहरिया जनजाति रहती है जो भारत की पिछड़ी आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है, लेकिन वर्तमान समय में इनका विकास यानी कि अधिक और उत्तरोत्तर होता रहा है।